नेहरूनगर और अंजरों के बीच नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर स्थानीय CG07 पासिंग वाले वाहनों से भी वसूली की जा रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों का विरोध है। मंगलवार शाम को भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेसी और स्थानीय लोग टोल के विरोध में धरना देने पहुंचे, जहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेहरूनगर बाईपास रोड स्थित टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा कर तोड़फोड़ किया। कार्यकर्ताओं ने केबिन और वहां लगे CCTV कैमरे को तोड़ दिए। करीब 2 घंटे तक बवाल चलता रहा, लेकिन पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। नेहरूनगर भिलाई से राजनांदगांव दुर्ग जिले में बाईपास स्थित NH 53 में स्थापित दुर्ग शिवनाथ एक्सप्रेस व प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लोकल CG07 गाड़ियों को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर भिलाई एवं दुर्ग के कांग्रेसियों के द्वारा उग्र आंदोलन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के नेता गणों सहित पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे। साथ ही NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा बैरियर से लेकर के टोल प्लाजा तक की संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचाया गया। CG07 की गाड़ियों को टैक्स फ्री किए जाने की मांग को लेकर आक्रोश जताया गया कि पड़ोसी जिले रायपुर एवं राजनांदगांव में लोकल गाड़ियों को फ्री किया जाता है, जबकि दुर्ग ही एक ऐसा जिला है जहाँ लोकल गाड़ियों का भी टैक्स लिया जाता है, जो कि सरासर अवैध है। इस मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में 4 घंटे तक ये उग्र प्रदर्शन जारी रहा। इसी कड़ी में यहां टोल के दोनों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी रही, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही मामले की सुनवाई का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। टोल लेना चाहते हो स्थानीय होने के बाद नहीं देना चाहते, जब आप ही नहीं देना चाहते तो हम सब आम नागरिक है, हम भी कोई CG07 जीतने वाले कोई टोल नहीं देना चाहते। इसके पहले भी इन लोगों ने एक बार स्टार्ट किया था, थोड़ी दिन तक चालू किए, बंद किए थे CG07, उसके बाद पुनः चालू कर दिए। हम लोग स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, दिन भर 10 बार आना जाना पड़ता है, लेकिन हमको 10 बार फाइन देना पड़ता है। मैं आज दिन भर में 150 के 4 पर्ची कटवाए हूँ, टोटल 600 रुपये का तो मेरा पर्ची कट चुका है। यह अपनी हटधर्मिता को छोड़ना पड़ेगा, आज हम लोग डटे हुए हैं और जब तक आज CG07 फ्री नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। असर पड़ेगा कि आज फ्री करके ही जाएंगे, हम लोग यहाँ से फाइनल करके ही जाएंगे जो भी होगा। ये पूरे लोकल जनता ही है सब, पूरे स्थानीय निवासी इसको इस चीज पे ये हो रहे हैं, तो सारे के सारे मेरे साथ हैं, सारे हम कांग्रेसियों के साथ हैं। आज जब तक CG07 फ्री नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। 7 किलोमीटर छोड़ना ही है उनको, इनकी हट धर्मिता को इनको वापस लेना होगा, CG07 टोल फ्री इनको करना होगा, नहीं तो आज हम सब आंदोलनरत रहेंगे यहाँ पे। की गाड़ियों को और दुर्ग पासिंग की गाड़ियों को फ्री करना ही होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, उसका परिणाम भुगतेंगे। प्रदर्शन होगा तो उसी आधार पर ही सरकार मानती है, केंद्र सरकार भी जो लगातार स्टेट गवर्नमेंट जो है लिखते चली जा रही है कि प्लाजा ये जो टोल टैक्स जो लिया जा रहा है, स्थानीय लेवल पे जो लिया जा रहा है उसको भी ज़रा चेंज किया जाए, जिस तरीके से राजनांदगांव में किया गया है उसी तरीके से यहाँ भी किया जाए। लेकिन इस बात को केंद्र सरकार नहीं सुन रही थी, इसलिए आज मजबूर होके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर होके ये कदम उठाना पड़ा। हमारी सिधाई का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी सज्जनता को हमारी कमजोरी ना समझे। हमारे आप देख रहे हैं कितने कार्यकर्ता, कितने मतलब नागरिक प्रभावित हैं, वो इस बात को रोज कहते हैं और हम लगातार इस बात को इनसे कहे हैं, लेकिन वही बात हमारी सिधाई का फ़ायदा, तो सिधाई का फ़ायदा ना उठाएं, अब जाग जाएं, जागने का समय आ गया है। CG07 दुर्ग भिलाई की जो पासिंग गाड़ियां हैं RTO को उनको फ्री किया जाए। और आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, अभी तो समझ लीजिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई अगर नहीं किए तो हम समझते हैं कि अंगड़ाई में ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता, हाँ या ना में उनको जवाब देना होगा, वो हाँ करेंगे ना करेंगे तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बहरहाल देखना होगा कांग्रेसियों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर किस तरह का रुख इख्तियार किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।